यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है लासलगांव में, वहाँ क्या स्थिति है अभी? नहीं, अभी सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर है वो उनके तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसी तो बिल्कुल बात नहीं है, कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दो चीज़ है, एक तो नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पहली बात। दूसरी बात ऐसी कि अस्पताल में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव है, मतलब लोड ऐसा बढ़ गया है, पेशेंट बढ़ गए, और जो है डॉक्टर जो नेगेटिव है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ऐसी है कि ऑक्सीजन की किल्लत है, रेमडेसिविर की किल्लत है, कुछ दवाइयों की भी किल्लत चल रही इधर, तो ये सब प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट हो गई। तो ये जो ये एक और जो दूसरी बात ऐसी है, जो सरकारी अस्पताल रहते हैं उनको रिजेक्टेड केसेस भी लेना पड़ता है, मतलब प्राइवेट के अंदर कैसा रहता है वो, उनका स्कोरिंग अच्छे रहने के लिए, हमारा रिक्वायरमेंट जो है, रिकवरी रेट जो है वो अच्छा रहने के लिए वो क्या करते हैं, HRCT का स्कोर देख लेते पहले। जिसका HRCT का स्कोर अच्छा हो वही पेशेंट वो एडमिट कर लेते प्राइवेट के अंदर। अगर कोई बहुत गया गुजरा पेशेंट हो तो उसको लेंगे नहीं वो। गवर्नमेंट का नियम तो ये है सर कि पेशेंट के इलाज से कोई हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता अगर दरवाजे पे आ गया तो। ये बात सही है। ये लोग वापस कैसे भेज? नहीं, ये रूल है लेकिन वो कागज़ पे चलता है ये रूल। अगर एक्चुअल प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ऐसे बहुत से पेशेंट है जो एम्बुलेंस में गुजर जाते हैं अस्पताल देखते देखते, अस्पताल में गए कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, वो पहले पेशेंट का रिपोर्ट देखते, HRCT कितना है, उसका सैचुरेशन बाहर ही चेक करते। अगर पेशेंट बहुत सीरियस हो तो वो बता देते हमारे पास हाई प्रेशर ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, और इतनी इंक्वायरी कौन कर सकता कि ये सच में है कि नहीं है, लोग दूसरे अस्पताल में लेके जाते। ऐसा करते करते किधर नहीं मिला तो फिर सरकारी में लेके आते, सरकारी में होगा तो वो एडमिट कर देते, फिर उधर वो गुजर जाता पेशेंट। अभी सरकार का रेट जो है रिकवरी का वो कम हो रहा है लेकिन प्राइवेट का रेट अच्छा टिक रहा है, क्योंकि उधर जाने वाले पेशेंट वो लेते नहीं, पहली बात ऐसी। अगर कोई अस्पताल के अंदर सीरियस हो गए तो वो बात अलग है, लेकिन सीरियस पेशेंट को वो एंट्री नहीं देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल रिपोर्ट देख के नहीं लेना चाहिए, जो आया वो उसको लेना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ऐसे अस्पताल में जब एडमिशन हो जाता है तो पहले से लिख लेते हैं, आप रिलेटिव्स की सिग्नेचर उसके ऊपर रहती है कि पेशेंट गुजरा भी तो अस्पताल को कुछ नहीं होगा, ये करके भी ये फाइनली वैसे करते कि वो पेशेंट लेते नहीं, ये बात बहुत गलत है। और ये जो संबंधित जो लोग हैं उन्होंने ये बात को सोचना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, एक मतलब स्वास्थ्य की बात चल रही है तो मुझे एक पूछना है कि ये हम लोग अभी नासिक में हैं तो इतने MIDC है यहाँ पे, मतलब पत्थर ऐसे जोर से मारा तो MIDC पे ही गिरेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन की किल्लत है कैसे? यहाँ तो बहुत प्लांट्स होंगे ना ऑक्सीजन के इंडस्ट्री के लिए। नहीं, नासिक के अंदर है, नासिक MIDC के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट है, वो बात सही है, बहुत से प्लांट भी है नासिक के परिसर में भी, बहुत प्लांट है। आज तक कभी ऑक्सीजन की किल्लत कभी नहीं आई। नासिक ऐसा है कि आसपास के लोगों को भी ऑक्सीजन सप्लाई करता है, लेकिन जो रॉ मटेरियल जो है वो उनको नहीं दिया गया तो वो ऑक्सीजन किधर से बनाएंगे? बात ऐसी भी है, वो उधर से जो रॉ मटेरियल है वो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी को सप्लाई नहीं हो रहा है प्रॉपर से, वो चेन डिस्टर्ब हो गई। अगर उनको ये रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाए तो ये जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बनाएंगे। ऑक्सीजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल उनके पास अवेलेबल नहीं, ये दिक्कत की बात है पहले। अच्छा, मतलब आप इक्विपमेंट की बात करेंगे कि रॉ मटेरियल तो ऑक्सीजन के लिए हवा से ही बन जाता है।